हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और हम जा रहे हैं घूमने बाहर। आज दशहरा है तो देखने तो जाना था रावण दहन, लेकिन मुकेश सो गए थे जाने के टाइम पे और उठे ही नहीं। मैंने बहुत ट्राई किया उठ जाएं, बच्चों को दिखाना है, लेकिन नहीं। अब बच्चे जिद में आ गए कि नहीं हमें बाहर लेके चलो। तो अभी ये तो प्लान नहीं है कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जहाँ भी जा रहे हैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज सुबह से मैंने व्लॉग भी शूट नहीं किया था, कोई पूजा वगैरह का भी नहीं किया, बस पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। आज बहुत सारा काम था करने के लिए, क्योंकि ये घर पे थे तो मैंने कहा बहुत सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ जो इन्हीं की हेल्प से हो सकते हैं, बाद में नहीं होंगे। और रॉक्सी कूद रही है कि मतलब मुझे भी लेके चलो, लेकिन रॉक्सी को नहीं ले जा सकते हैं। मतलब खाना वगैरह हम लोग शायद बाहर ही खा के आएंगे। अभी वो भी फाइनली हो, ऐसे पुलाव बना के रख दिया है कि अगर बाहर नहीं खाएंगे घर खाएंगे तो वो भी सारा कुछ आइडिया हो जाएगा। रॉक्सी का खाना भी बन गया है, दे दिया है इसको खाने के लिए, पर फिर भी रॉक्सी को लग रहा है मुझे लेके जाओ क्योंकि अकेले कैसे रहेगी। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं आपको। चलो चलो गुड्डू, रबर बैंड डाल ले बालों में। और गुथ बनाई हुई थी ना तो उसकी वजह से कर्ल्स आने लगे तेरे बालों में। अब वैसे भी इसके बाल थोड़े से कर्ली हैं दादी जैसे अपनी, और आज पहली बार ऐसा हो मुकेश पहले से आके वेट कर रहे हैं। चलो चलो चलो, बुआ के यहाँ जगराता है माता रानी का। चलिए बच्चे रहे, बच्चों के कैसे बच्चे रह लेंगे अकेले। मैं रात को आ जाऊंगा, मैं ना दीदी बना दूंगा तेरी। ओ अंकल ओ, लड़ो मत। मम्मी अंकल बहुत बोल रहे हैं, अंकल के दांत निकल आएंगे, अंकल को पता ही नहीं है। बुर्ज खलीफा बना हुआ है देख ले, इतना मारूंगा अंकल। अंकल चुप, अंकल चुप, आंटी बोल के जाएंगे। अंकल चुप, ऐसे ऐसे 30 साल के बच्चे। अंकल लाइट कैसे दिख रही है वो भाई, देखना वो कैमरे में लाइट कैसे दिख रही है, लाइन लाइन कैमरा ब्लर नहीं हो रहा, वही लग रहा है आज का टाइम ना। मुझे आईफोन लाइट आई नहीं रही अच्छे से, जो बहुत ही खराब है। कक्कर टॉमी कुकुर, ऐसे नहीं बोलते बेटा, गंदी बात है। एक टोकरी कक्कर, MC स्टैंड, वो तो आज बेटा रश बहुत ज्यादा है उस दिन से। हाँ मैं वही सोच रहा हूँ, मुझे लग रहा था आज कम होगा, पर फिर याद आया आज दशहरा है, आज बहुत ज्यादा रश। और गेट है इधर खलीफा, हम भी देखो है ना, बहुत प्यारी सी डेकोरेशन। हम इसके छत पे चलो, ये बुर्ज खलीफा ट्विन टावर लग रहा है, टावर है बुर्ज खलीफा। मम्मी मतलब बड़ा है नहीं, बुर्ज खलीफा लिखा भी है। बनाया ये है क्या चीज, वो नहीं समझ आ रहा है। ऐसा थोड़ी है, नहीं नहीं ये नहीं है, वो तो बाहर टावर है, बुर्ज खलीफा ऐसा ही मिनिएचर बना रखा है बुर्ज खलीफा का। रश वाकई में बहुत ज्यादा है, सारे में रश इतना ज्यादा, और उस दिन बिल्कुल खाली था सब कुछ। रुको 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 रुको, ये देखना है, सुनो अच्छा लग रहा है। लड़ गए नकली पौधे हैं तो मछलियाँ भी नकली हैं, ये मछली है हाँ। ये नकली है वो, यह कपड़ों का कलेक्शन, किसी भी मेले की शान होता है कपड़ों का कलेक्शन। पीछे घूम रही हूँ, ये देखने में तो इतने प्यारे लगते हैं ये कपड़े। हाथ मत छोड़ो बेटा, डैडी का भीड़ है यहाँ बहुत, या तो मेरे साथ रहो या डैडी के। रश देखना कितना ज्यादा है, आ गया फिर से जो गोला बर्फ का, वाओ मैं खाऊंगा बिल्कुल। ये देखो कितने बच्चे शैतानियां कर रहे हैं, हम पहले कितना करते थे और मुझे डर लगता था तुम करते थे। कुछ नहीं होता है, बहुत अच्छा होता है। हाँ एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं ना तो सारे राइड्स दिलाती थी मैं, सारे एक भी नहीं छोड़ के जाती थी, एक भी नहीं करने? आज झूलेंगे इस वाले कोई बैठने नहीं जाएगा, झूलते कम है चिल्लाते ज्यादा है लोग। सही बात है, है ना, फर्क ही नहीं पड़ता फिर भी बिना वहाँ चिखे मारते हैं। मम्मी पीछे निकलती है, हाँ कहाँ कितनी तेज तेज भाग रहे हैं लोग नंबर लगाने के लिए। ये देख बहुत रश है सच में, दो बार में नंबर आएगा, एक बार में तो आएगा ही नहीं। उन्होंने हेलमेट क्यों पहन रखा है, ताकि सर में चोट ना लगे, लेकिन है कहाँ हेलमेट।
हेलमेट क्यों वीडियो बनाए ना फिर? यूट्यूबर हेलमेट डाल के निकलते हैं। क्यों? क्योंकि फैंस ना मिल जाए। हाँ तो फिर वीडियो भी तो नहीं बना रहा ना। फाइनली हम लोग बैठ गए और आज सच में बहुत रश है। तीन राउंड के बाद फोर्थ राउंड हमारा चलो ठीक है। पांचवा राउंड पे हमारा नंबर आया। इतना रश है, इतनी लंबी क्यू है। वो तो थैंक गॉड कि हम बीच में घुस गए वरना पता ही नहीं लगा। एक्चुअली हम गलत लाइन में खड़े हो गए थे पहले और रश आप देख सकते हो। जबरदस्त रश है आज। तो मैं तुझे मारूंगी अभी तो चलो भी नहीं है। हट, कितना इजी है। छोटे बच्चों के साथ मम्मी पापा ऐसे खड़े रहो आराम से। हाँ जब तुम छोटे थे हमें भी ऐसे बैठना पड़ता था कभी कभी तुम्हारे साथ। बहुत अच्छा था। कभी कभी और मैं बोर हो जाती थी बैठने में। हाँ बोर ही होना होता और क्या होता है। टुक्कू का प्लीज कुछ ले ले। प्लीज 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 ले ले ले। क्या बता चल टुक्कू का गोला। चल 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 नहीं है इतनी भारी है। पता नहीं चलेगा भी नहीं चलेगा वो भी नहीं पता। ओपन बॉक्स चलो 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 टुकु मम्मी मैं अकेला। कितना? तीन 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 कोई बात नहीं। तीन और तीन और लेना। हटो तो लेना चाहिए। छे 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 पे गए। करना है करो टोटल करना है। दो 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 तीन नौ कुछ नहीं मिल रहा। कुछ नहीं मिल रहा। चलो ना है करो है। कौन से बड़ा आलू बताओ। किसी में तो डाल। तीन में बारह चलो बारह 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 पाँच सत्रह। दो पे डालना है या पाँच पे? नहीं नहीं गुड्डा दो पे या पाँच पे गुड्डा इन दोनों में से। अरे आगे से पीछे से कर भाई पता ही कोई बात नहीं। यहाँ से करो दो या पाँच। जा 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 देख भी बारह बाईस देख लीजिए। बाईस नंबर भैया नीचे वाला था। दो और पाँच सात सात और तीन दस बारह पाँच नौ और दस उन्नीस हुआ ना। उन्नीस हुआ है टोटल। उन्नीस में क्या था? उन्नीस में क्या है उन्नीस।
चटनी पापड़ चलो तो पीना ही क्यों है चलो चलो भाई नहीं पी जा रही ये देख लो किधर गए आपके पीछे डैडी अभी लाइन ही क्यों ना गुड्डू देख लो पेन ने आपको तू पीछे हट जा चलो मैं डार्क में लूंगी मैं ये चलो 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 जल्दी चलो बोला था कुछ खिला रहे हो क्या अपना काम है ना डैडी चले जाने दो तो अभी डैडी को जाना ही होता है जानबूझ के तोड़ा है तूने मैं देख रही थी तेरे को नहीं होगा ठीक होती तो रख सकते हैं ना ये वाला देख रखा है यार इसका यार मम्मी कहीं नहीं आएगा बहुत लंबा है क्या ठीक है कितना टाइम लगेगा 2-3 मिनट और तुझे कुछ लेना है गुड्डू ये सारी स्टॉल खाने के हैं और काफ़ी कुछ है यहाँ खाने के लिए पिज़्ज़ा नूडल्स मंचूरियन पोटैटो ट्विस्टर पाव भाजी वड़ा पाव छोले भटूरे और पता नहीं क्या क्या है स्वीट कॉर्न पॉपकॉर्न नूडल्स बोल रही हूँ हाँ नूडल्स लेना है नूडल्स चलो बच्चों ने लिया है अपने लिए पिज़्ज़ा और नूडल्स और अब हम निकल रहे हैं बाहर बाहर जाके खाएंगे क्योंकि वो बहुत देर के बाहर गए हुए हैं मैं बच्चों को अंदर घुमा रही थी बच्चों का मन नहीं भरा अभी जाने के लिए और रुक तो कुछ को बता दूं जरा कोई सके तो इधर एंट्री है वहाँ से एग्जिट है यार एग्जिट उधर है चलो पान रेडी आ आज तो यहाँ पे भी इतना रश है आओ और यहाँ पे बन रही हैं गरम गरम जलेबियाँ चलो गुड्डू और आगे डैडी मम्मी और यहाँ पे ली है हमने खाने के लिए चाट जो यहाँ की फेमस है और साथ में पाव भाजी बच्चे उधर खा रहे हैं बैठ के और यहाँ पे ऐसे ओपन में ही मिलती है और मुकेश वहाँ लाइन में लगे हुए हैं वो लेके आ रहे हैं और कुछ भी बैठ के मैं कर रही हूँ यहाँ उनका वेट किया आए तो फिर अपना खा ले क्योंकि मेरे दोनों हाथों में लगा हुआ है एक गोद में रखी हुई प्लेट एक हाथ में रखी हुई है ऐसे लग रहा है मैं ही सारा खा रही हूँ बहुत भीड़ है सच में उस दिन हम आए थे बिल्कुल भी रश नहीं था और आज तो बहुत ज़्यादा रश है बहुत ज़्यादा ये कह ही रहे थे कि आज दशहरा है तो आज बहुत ज़्यादा रश होगा बट मुझे था होगा रश बट इतना ज़्यादा होगा ये मुझे आइडिया नहीं था मैंने कहा सब लोग रावण देखने गए होंगे तो उतना ज़्यादा नहीं होगा बट बहुत रश पानी की बॉटल खुल ना जाए भीग जाएगी जुकाम इतनी तेज़ हो रहा है हम जा रहे हैं घर वापस पेट भर गया मज़ा पेट ज्यादा भरा हुआ है अभी अभी बात मत कर मुझे तो आज मुंह खराब कर दिया डैडी डैडी ने गोलगप्पे खिला के खाया ही क्यों था मैं मना कर रही थी ना जहाँ पे इस तरह के फ्लेवर वाला पानी होता है ना वो हमारा फ्लेवर नहीं है बेटा हम लोग खाते हैं वो प्लेन खट्टा पानी
नहीं, हींग वाला पानी अच्छा लगता है। मैं भी यहाँ अच्छा ना हो बट अच्छा लगता है हींग वाला पानी। अरे वो तो बेटा वो जगह ही गोलगप्पे की है, वो छत्ते वाले ना। नहीं नहीं, जब बड़े पापा खिला के आए थे। बड़े पापा कहाँ खिला के आए थे? इस बार नहीं, मंदिर के पास। वो छत्ते वाले नहीं अच्छे लगे थे? वो तो सॉलिड थे, वो अल्टीमेट गोलगप्पे है वहाँ के। शो मैरियट इस बार बर्थडे पे आएंगे। वो JW मैरियट है। JW मैरियट, ये हमारे सामने ही बना है। जब मैं, हाँ जब तुम हुए नहीं थे ना तब स्टार्ट हुआ था बनना, तब चल रहा था इसमें काम।